नमस्कार, मेरा नाम अखिलेंद्र मिश्र है और आप सभी देख रहे हैं मूवीज अड्डा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ा सुंदर सुंदर इंटरव्यू लेके आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे गॉसिप भी लाते हैं और अच्छे अच्छे संदेश भी लाते हैं सिनेमा को लेके। धन्यवाद। सो हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू मूवीज अड्डा, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, इस कॉन्सेप्ट में, स्क्रिप्ट में ऐसा क्या था, क्योंकि नाम बहुत यूनिक है, फेसबुक वाला प्यार, तो इसमें ऐसा क्या था जिसने आपको अट्रैक्ट किया ये फिल्म करने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए? चूँकि आज की नई पीढ़ी में, युवा युवतियों में बहुत एक चलन है, बहुत ही प्रचार प्रसार हो गया है, एक तरह से नई पीढ़ी ग्रसित है इस ऐप से, फेसबुक से। और हम लोग अभी जो बाद की पीढ़ी के हैं उतनी ज़्यादा ग्रसित नहीं हैं, क्योंकि हम लोग तो अभी सीख ही रहे हैं। जब नारायण साहू जो डायरेक्टर हैं वो ये स्क्रिप्ट लेके आए कि भाई ऐसा ऐसा कुछ है, कुछ नया है, तो मुझे लगा कि कुछ गुदगुदी है इसमें, कुछ कॉमेडी किया जा सकता है इसको सीरियसली ना लेके, तो उस तरह से एक ताना बाना है इसमें, तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये फिल्म की जाए। और बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये फिल्म दो पिताओं की कहानी है, इट इज़ टेल ऑफ टू फादर्स अगर अंग्रेजी में बोलें तो, दो पिता जो कि फेसबुक से त्रस्त हैं, एक प्रोफेसर और एक वकील है। प्रोफेसर त्रस्त है कि उसके क्लासरूम में जो हिंदी पढ़ाता है उसके क्लासरूम में चलती क्लास में बच्चे फेसबुक पे चैटिंग कर रहे हैं, और वकील त्रस्त इसलिए है कि उसके यहाँ केस आ गया कि एक जवान फोटो लगा दिया है बुढ़े ने और वैसा केस पुश हो गया है। तो दो त्रस्त पिताओं ने अपने बच्चों की जब बारी आती है तो उन दोनों के मिलान करवाने के लिए कि वो शादी करें, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि हमारा फेसबुक से ही प्यार हो के शादी हो, तो वो फेसबुक ऐप ही सेलेक्ट करते हैं। इस तरह का कुछ ताना बाना है। हाँ वही है जैसे कि अखिलेंद्र जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। और प्यार तो प्यार होता है, कहीं भी हो जाता है, तो हमने दिखा दिया कि फेसबुक पे भी हो जाता है प्यार, तो ये है। जैसा आप लोगों ने कहा दो पिताओं की स्टोरी है, अब यहाँ पर यूजुअली लव स्टोरीज में क्या है, दोस्त का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, दोस्त का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो दोस्त का स्वागत करते हैं मोहन तिवारी जी का और उनसे पूछते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस था। अरे एकदम लल्लन टॉप एक्सपीरियंस रहा है हमारा, बहुत बढ़िया रहा है, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ हमने काम किया इसमें। और रही बात आपके पहले वाले सवाल की कि इस सिनेमा को क्यों चुना, तो आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ था कि इतना यूनिक नाम है इसका, तो सबसे पहली शर्त और सबसे पहली वजह यही है कि ये यूनिक नाम है, फेसबुक वाला प्यार, और अमूमन ये हमसे, आपसे और आजू बाजू किसी से छुपा नहीं है कि आज की डेट में, वर्तमान समय में फेसबुक पे जितने प्रेम प्रसंग चल रहे हैं वो शायद ही कहीं चल रहे होंगे, तो हमने इस ज्वलंत मुद्दे को उठा लिया और बन गई पिक्चर। जैसे इसमें एक जनरेशन की भी बात है, आप लोगों की जनरेशन अलग है, अभी की जनरेशन अलग है, लेकिन अगर मैं उस वे में पूछूं तो क्या आप लोग जेन्युइनली इस कॉन्सेप्ट में अब बिलीव करते हैं कि यू नो पहले के ज़माने में फिर भी प्यार जो होता था वो एक अलग ही लेवल का होता था, आजकल क्या है, प्यार फेसबुक पे हुआ, फिर दोस्ती हुई, उसके बाद तुरंत ब्रेकअप हो जाता है, तो कितना बिलीव करते हैं इस कॉन्सेप्ट में रियल लाइफ में? देखिए मैं, मुझसे अगर पर्सनली पूछिएगा तो मैं तो यही कहूँगा कि जो सामाजिक मूल्य है उन मूल्यों का क्षरण हुआ है, वो छिन्न हो गए हैं। तो जो प्रेम जो था, जब कबीर कहा करते थे कि प्रेम न खेतो नीपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे सिर दो सो ले जाए, तो प्रेम की वो परिभाषा वो आज तो है नहीं, क्योंकि आज डिजिटल माध्यम इतना सशक्त हो चुका है कि पूरी दुनिया सिमट गई है, तो नई पीढ़ी उस डिजिटल मीडिया का भी प्रयोग कर रही है। संयुक्त परिवार का जो संबंध था वो संबंध भी खत्म होता जा रहा है, पति पत्नी बैठे हुए हैं अलग अलग चैटिंग कर रहे हैं, वो उधर मुंह घुमाया है, वो उधर मुंह घुमाया है, बच्चे अपने अपने कमरे में चैटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा कोई, वो भी एक क्षरण है, एक सामाजिक व्यवस्था की क्षरण है। तो प्रेम प्रसंग अब ये जो, ये प्रेम नहीं है, ये तो इसको प्यार कहा जा रहा है कि फेसबुक में प्यार हो रहा है, वैसा है तो, लेकिन ये चूंकि ताना बाना जो इस फिल्म की है वो बहुत ही हल्की फुल्की कॉमेडी है, बासु चटर्जी का जो जोनर था एक, उस जोनर तक तो नहीं है लेकिन उसको छूने की कोशिश की हमारे डायरेक्टर ने, और हमें इसीलिए अच्छा लगा कि इस सब्जेक्ट को किया जाए। रियल लाइफ में आप कितना बिलीव करते हैं इस कॉन्सेप्ट में? देखिए जैसे कि आपने पहला सवाल किया, उस सवाल के इसमें कि लाखों साल हज़ारों साल पहले मोहब्बत का नाम भी मोहब्बत था,
आज भी उसका नाम मोहब्बत है और आज से हजारों साल बाद भी उसका नाम मोहब्बत ही रहेगा। तो अब ये है कि हर जनरेशन का अलग अलग जनरेशन में परिस्थितियाँ अलग होती हैं, समय अलग होता है, तो उसके अनुसार सारी चीज़ें बदलती जाती हैं। तो हमारे परदादा दादा परदादा जब उन्होंने भी प्यार किया होगा किसी ज़माने में, चलो उन्होंने किसी मैंने प्यार करके शादी नहीं की होगी लेकिन शादी के बाद तो प्यार किया होगा भाई, तो उनका अलग तरीका रहा होगा, हमारा अलग तरीका था, हमारे बाद लोगों का अलग तरीका होगा, इनके बाद जो और नई कौम आएगी उसका अलग तरीका होगा। तो इस तरीके बदलते जाते हैं, प्यार वही रहता है, प्यार तो बदलता नहीं है। सो जाते जाते मैं पूछना चाहूँगी, इस फिल्म की अगर एक USP सिर्फ ऑडियंस अगर जानना चाहे कि क्यों हम जाएं थिएटर तक और ये फिल्म देखें, तो वो क्या होगी, एक एक करके जानना चाहिए। एक साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म है, पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को देखा जा सकता है और इस फिल्म का, जैसे कि नाम है फेसबुक वाला प्यार, इस फिल्म का लुत्फ उठाया जा सकता है। मैं एक लाइन में इतना ही कहूँगा कि ज़रूर देखिए, आपको मज़ा आएगा। बहुत सुंदर सिनेमा है, बहुत ही अलग विषय वस्तु है, जो एक ढर्रा चला जा रहा है एक भेड़ चाल का, वैसा कुछ नहीं है। नए नए फिल्म मेकर्स आ रहे हैं आजकल और बहुत अच्छा बदलाव आया है फिल्म मेकिंग में, उसी कतार में ये फिल्म है फेसबुक वाला प्यार। एक जैसा राजेश जी ने कहा कि साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म है, परिवार के साथ देखने के लायक फिल्म है। कुछ भी वैसा आपको ना तो कपड़े मिलेंगे, न तो वैसा कुछ आवभाव मिलेगा, न वैसा व्यवहार मिलेगा, न वैसा प्रसंग मिलेगा, न वैसे शब्द मिलेंगे, न दृश्य मिलेगा। तो ये आप सपरिवार देखें, ये फिल्म गुदगुदी करेगी। कॉमेडी का मतलब आड़ा टेढ़ा मुंह करना नहीं है, सिचुएशन है, हालात हैं, तो वो गुदगुदी करती हैं, हालात गुदगुदी करते हैं, तो वो गुदगुदी वाली फिल्म है, तो देखें और लुत्फ लें। देखिए सारी महत्वपूर्ण बातें तो मेरे दोनों छोटे भाइयों ने, जिन्हें आप बड़ा 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 बार बार कह रही हैं, कुछ नहीं, इन लोगों ने कह दिए। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भैया अगर आप फेसबुक पे हो, जो कि हमारे यहाँ हमारे भारत में 100 में से 99 लोग हैं भाई, तो ज़रूर पिक्चर देखना, बहुत आनंद आने वाला है। तो ये थे हमारे साथ फेसबुक वाला प्यार के स्टार कास्ट। प्लीज़ आप लोग ज़रूर जाइए फिल्म देखने के लिए। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मूवीज़ अड्डा में ज्वाइन करने के लिए।